हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जो आज हम रेसिपी लाए हैं वो सिर्फ बहुत ही टेस्टी और मतलब वो अच्छी लगती है खाने में, तो बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड, इसे हम गुड़ और तिल से और मूंगफली के दाने से बनते। तो फ्रेंड, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे गुड़ ले ली, गुड़ को बारीक काटना है। थोड़ी सी मूँगफली के दाने ले लिए हैं और थोड़े से हमें चाहिए यहाँ पर तिल, सफ़ेद तिल और काले तिल। तो हम अच्छे से वाश कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एक कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे चिपके ना कढ़ाई में गुड़ बाद में। तो गुड़ को थोड़ी देर हम अच्छे से मतलब कला लेंगे, जब तक इसमें राना छूटने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल रहे हैं, जो थोड़ी सी गुड़ घोरी थी, तो इससे जो है अच्छा कलर और जो मतलब टेस्टी लगता है खाने में। थोड़ी से हम पकाते रहेंगे, 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से उबाल इसमें आने लगा। उबाल आने के बाद जब इसमें तार छूटने लगे तभी हमें पकाना बंद करना है। देखिए फ्रेंड, हल्का हल्का तार छूटने लगे तो अब हम इसमें जो मटेरियल था वो सब डाल देंगे। मूँगफली के दाने, तिल डाल देंगे और इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद ये देखिए फ्रेंड, इसमें जो अच्छे से तार छूटने लगे हैं, तो अब हम इन्हें एक थाली में निकाल लेते हैं। देखिए तार छूट रहे हैं, देखिए फ्रेंड तार छूटने लगी। इस तरीके से हमें इसे चेक करना है। चेक करने के बाद हमें एक यहाँ पे मतलब 2 मिनट और पकाने के बाद एक थाली चाहिए। थाली में हल्का सा तेल लगा देंगे जिससे ये आराम से बाद में छूट जाए। तो ये देखिए, हमने थाली में निकाल लिया। कितना अच्छा टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना। थैंक।